कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। जिस प्रकार से जो कि सरकार द्वारा लोगों को जो योजनाएं दी जा रही है कि लॉकडाउन है और परिस्थितियां जिस तरीके से जो राशन के लिए जो लोगों को राहत मिल रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार दिखाई देता है। ऐसे ही मामले पे जो हाल ही में एक राशन दुकान पे जो कि कार्रवाई की कराई गई थी आप द्वारा, तो ये जानना चाहेंगे किस प्रकार से थी, क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे नागरिकों को हो रही थी, राशन किस तरह से लोगों को नहीं मिल पा रहा था। क्या राज्य की सरकार के तरफ से राशन दुकानदारों को जो अनाज है, गेहूँ है, चावल है, ये सब चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने का काम राज्य की सरकार ने किया है और बेहतरीन सरकार का काम देखकर हमारे जो प्रभाग में है गायकवाड़ नामक जो राशन दुकानदार है उनका दुकान बंद रहता था, बार बार वो लोगों को टाल रहे थे। उसके लिए हमारे जो टीम ओमी करानी के जो उपाध्यक्ष है गुड्डू राय जी के माध्यम से और मैं हम कार्यकर्ता मिलकर वहाँ पर गए थे और मैंने जो राशन ऑफिसर है सानब साहब और तहसीलदार साहब से मैंने चर्चा की और तुरंत उसको सील किया गया है और जब तक उसकी पूरी इंक्वायरी नहीं होगी तब तक वो राशन दुकान नहीं खुलेगी। और मैं अभी भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी और भी उल्लासनगर शहर में कहाँ पर भी राशन दुकान की ऐसी कंप्लेंट हो तो वो आदरणीय ओमी करानी जी तक पहुँचाए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।